और फ्रेंड ये देख ही रहे हैं इसी तरह जो पार्ट को कटिंग किया है जो राइन राउंड की तरफ है उसे मैं ऐसे करके बीट लगाऊंगा सभी पार्ट में। तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा आपको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी तरह आपको सभी पार्ट में बीट लगाएंगे सभी पार्ट में। ठीक है, तो बाद में दिखाता हूँ सारे कंप्लीट करके। तो फ्रेंड ये देखिए, इसके बाद इसका जो पोजीशन है इस जगह को थोड़ा सा आपको ऐसे सेंटरिंग करना है, ज़्यादा नहीं करना है फ्रेंड, क्योंकि ये इसके ऊपर जब हम ये जो हम जुड़ेंगे इस जगह को वो ज़्यादा थिकनेस नहीं होगा, इसलिए ज़्यादा टेकिंग नहीं देना है इस जगह को, थोड़ा सा देना है। और इसका जो मिडिल है वो मिडिल में ऐसे छोड़ना, नीचे से ऐसे ऊपर से ऐसा छोड़कर। चलिए हमने ठीक ठाक लगा दिया है और इसके बाद इसे लगाना है। ठीक है जी, हम धागे को चेंज करें। ये देखिए, उसके बाद इस जगह को आप चाहे ब्रेक भी दे सकते हो, मगर मैं ये जगह को जो दिखा रहा हूँ आप इस तरह से भी कर सकते हो, इसे इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, पहले इस जो पोजीशन एप्लीक है वो हम इसे लगा लेंगे। और ये जो डिज़ाइन दिखा रहा हो फ्रेंड, आप साड़ी में आसानी से इसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आसानी से यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और उसके बाद आप ऐसे करना है, ये जो पूरा जगह है, तो ये देने का मतलब है फ्रेंड, ये जगह जो जो है काचा पट्टी रहा वो इधर से उधर से वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आपको इसी तरह जैसे कि हमें तो ऐसे मालूम है, मगर आप लोगों का अगर शायद ना मालूम हो तो आके एक लाइन खींच के दे इस जगह में। ठीक है, तो आपको लगाने में आसानी होगा। तो मैं लाइन नहीं दे रहा हूँ, हमें तो ऐसे व्यू मालूम है। इसी तरह आपको अपना जो IQ है वो सेटिंग करना है। ये देखिए, उसके बाद ठीक है फ्रेंड, इसे दोबारा स्टिच करना है। एक तरफ मैंने पहले दिया, अब दूसरी तरफ देना है। ये तो जानते ही अब किस तरीके से हम झुमका उल्टा थे वो ही हम यूज कर रहा हूँ इस जगह में। ठीक है, और उसके बाद इस जगह को ये देना है हमें। ठीक है फ्रेंड, और इसके बाद ठीक है, एक तरफ होगा और दूसरी तरफ हम स्टिच देंगे। और
और उसके बाद हमें इधर देना है। तो फ्रेंड ये कैमरा में दिखाने का कोई मतलब नहीं रहा, जैसे कि किस तरह लगातार दिखाते वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो मैं ये दिखाने के बाद फिर से मैं कैमरा में दिखा रहा हूँ ये लगाने के बाद। तो फ्रेंड ये देखिए इस जगह का जो हमने दिया है तैयार हो गया है और काचा पट्टी इस जगह का नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये पका हो गया फ्रेंड। और एक बात फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप अगर शायद भूल गया फ्रेंड, इस जगह का ये जिस तरह मैंने स्टिच किया ये फाइनल नहीं है, इस जगह का आपको एक एम्ब्रॉयडरी ब्रेक देना पड़ेगा इस जगह को लिए, ठीक है। और ये ब्रेक देने से ही आपको डिज़ाइन पूरा होगा, नहीं तो पूरा नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद ये तो तैयार हो गया है, और उसके बाद हम इसी तरह इस डिजाइन को हम अटेंगे। देखिए फ्रेंड ये बहुत ही सिंपल है, और उसके बाद और भी बहुत कुछ बाकी है इस डिजाइन का, इसी तरह हम लोग करते हैं इसे। ये देखिए इसके बाद ये डिजाइन को इसे ऐसे करके ऐसे करना है। और फ्रेंड आप हमारा चैनल को फॉलो करते रहे, मैं इस तरह बहुत डिज़ाइन में आगे से लेकर सिर्फ डिज़ाइन ही दिखाऊंगा। फैशन डिज़ाइनिंग जब कोर्स ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद सिर्फ डिज़ाइन ही दिखाऊंगा, साड़ी दिखाऊंगा, जैसे बुटीक स्टाइल दिखाऊंगा, टेक्सटाइल मिक्स्ड करके जो जिस टाइप का डिज़ाइन होता है, तो सारे आपको इस हमारे चैनल से मिल जाएगा फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड, ठीक है, एक एक तरफ हमें ऐसा करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद दोबारा हम इस जगह, तो ये हम दिखाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, सारे हम पार्ट लगाए उसके बाद में फिर से मैं दिखाऊंगा कैमरा में, ठीक है। और फ्रेंड ये देखिए ऊपर का जो हिस्सा है फ्रेंड, वो मैं कुछ इस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ ऊपर का जो पार्ट है। और एक बात फ्रेंड, जैसे कि ओवरलैप मैंने इस तरफ से किया है, तो इस बार फ्रेंड इस साइड में हम इस तरफ से करेंगे, ठीक है, तब अच्छा दिखेगा। ठीक है, ये देखिए इस तरफ ओवरलैप किया और अब मैं इस तरफ ओवरलैप करूंगा।
ठीक है, ये देखिए।